ये बताइए गांव में जो लोगों ने ये लिख रखा है कि वो खेत बेचने तैयार हैं, मकान बेचने तैयार हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? ये फर्जी एससी एक्ट के मुकदमे बलात्कार के इसके मुकदमे लगाए जाते हैं। लोग खेतों में नुकसान कर रहे हैं, भूसा भर रहे हैं, उनके खेतों में अगर रास्ता डाल देते हैं, अगर कोई कुछ कहता है तो उनके खिलाफ मुकदमा लगा दिया जाता है और फिर पैसे लेके फैसला कर लेते हैं। तो लोग खेत बेच के फैसला कर रहे हैं, क्या करें? क्या हालिया दिनों में कोई कुछ मुकदमा लिखा गया है? अभी दे दिया है, वो लिखा नहीं रहा, लिख जाएगा वो भी क्या है, तमाम घूम रहा है वो लेके उसको लड़के को अपने को डॉक्टर करा रहा है, वो कर रहा है। और जो 100 नंबर भी यहाँ थी, सारे पुलिस थी यहाँ, सब 6:45 बजे 100 नंबर यहाँ थी, 6 बजे घटना दिखा रहे हैं। तो क्या एक दो व्यक्ति परेशान है, पूरा गांव परेशान है? पूरा ठाकुर समाज परेशान है, वो पूरा और अन्य मुसलमान नाई सब परेशान है। किसी भी जाति के लोग से आप पूछ लें कि अगर ये जो मुकदमा जी लिखा रहे हैं इसमें 1% भी सच्चाई हो, तो पुलिस को भी कम मालूम है। 10:30 बजे यहाँ से पुलिस गई है। तो जो लोग मकान छोड़ने का लिखा हुआ है तो किन किन लोगों ने लिखा हुआ है? पूरे समाज का लिखा हुआ है, पूरे समाज ने लिखा हुआ है। और भी सब लोग लिखने को तैयार हैं, तो कह रहे हैं जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अभी प्रशासन के लोग भी आए थे? जी आए थे। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आपका अगर कोई उसमें वो नहीं है तो आपको उसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा राजकली नाम है। तो ये गांव वाले क्यों परेशान है बताओ पूरी बात। गांव वाले ये परेशान है, जितने हम अपने मतलब ठाकुर लोग के बच्चे हैं जो पढ़ लिख के तैयार करते हैं कि नौकरी के लिए जाएं, हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा कुछ आगे भविष्य अपना बच्चा बनाए, तो क्या करते हैं ये लोग एक्ट लगा देते हैं। झगड़ा स्कूल में होता है, घर का दिखाते हैं कि बलात्कार किया है मेरे बच्चे के, तुम्हारे बच्चों ने, आके तमंचे दिखाते हैं, चप्पू दिखाते हैं। ये बताओ आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे जाकर चक्कू और वो दिखा सकते हैं, कट्टा और बंदूक दिखाते हैं जाके कि मेरी लड़की को छेड़ा है, मेरी लड़की को धमकाते हैं, कि मेरी औरत को धमकाते हैं, ये कोई बात है? तो ये सब घटना झूठी है आपके हिसाब से? हाँ झूठी है सर। तो एक दो आदमी परेशान है, पूरा गांव परेशान है? पूरे ही गांव परेशान है। आज इन्होंने इन किया है तो हमें 2.5 लाख रुपया दो, फैसला कर लो, मेरे घर पे आओ। अगर कहते हैं कि फैसला कर लो तो कहते हैं मेरे घर पे आओ। बताओ अगर इतना बोलते हैं कि बच्चे आके कट्टा दिखाते हैं, चक्कू दिखाते हैं, बलात्कार करते हैं, तो ये लोग जब फैसला करने के लिए जाएंगे तो इनके लिए इन्हों के लिए यही बोलेंगे? इन्होंने तो यही पढ़ रखा है ना, ये 2010 के ये केस इन लोगों ने लगाया है, 10 के आज 20 हो गई है, समझ लो 10 साल के सारे बच्चे परेशान हैं। पढ़ लिख के इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, नौकरी के लिए किया, आज 1500-1500 में बच्चे मेरे नौकरी कर रहे हैं, क्या क्या भविष्य में आएगा इनके? अपने बच्चों के लिए क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ठीक है, आप बता सकते हैं? मेरा नाम हेरमपाल सिंह जान। ये आपने ये अपने मकान पे लिख दिया, ये मकान बिका हुआ है, ये जमीन बिका हुआ है, ये क्यों लिख रखा है आपने?
बार बार एससी एक्ट के मुकदमे झूठे लगते हैं, परेशान हैं, तो क्या करें। आपके ऊपर किसी ने एससी एक्टी का मुकदमा लगाया है आज तक? निरे लग गए भाई, कब लगाया है? जो बच्चा पढ़ के तैयार होता है उस पर। आपके परिवार पे कब लगे? 17 में लगवाए, 10 में लगवाए, अभी आप खेत बेच के फैसला करवाए फिर बाप। आपके परिवार का बच्चा था वो? परिवार के नहीं है, सब सब परिवार के भी परिवार है। जगह ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लिख रखा है ये मकान बिका हुआ है? पूरी समाज जितने भी ठाकुर पूरे घर हैं सब निकले, नाई मुसलमान सब तैयार। हम संख्या में थोड़े हैं, जाटव ज्यादा है। हमारे ऐसे जाटव कितने लोग हैं? वो दबंग जाटव हैं क्या? दबंग हैं, 500 वोट हैं उनके, हमारे 225 के करीब होंगे। बताइए सिंह साहब, क्या समस्या है आपके गांव की जिसको लेकर के बड़ा परेशान है लोग? समस्या सर ये है कि आए दिन साल शायद कोई गुजरती है जिसमें एसी एक्ट के ये मुकदमे नहीं लगते, उसकी वजह से सभी समाज में बहुत परेशान है। हाँ, आज ये खबर मीडिया में वायरल हो रही थी कि यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं गोचवा गांव में, तो एससी एसटी के मुकदमे की वजह से। तो यहाँ मैं आया, मैंने लोगों से बात की और पलायन कोई नहीं किया है, पहले कभी मुकदमे लिखे गए होंगे। और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो आदमी को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। तो इन सबको आश्वस्त दे किया गया कि किसी भी जात किसी भी धर्म का कानून सबके लिए बराबर होता है, पुलिस सबके लिए बराबर होती है, पुलिस न्यायुक्त काम करती है। सबको आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता न करें, कानून का आप लोग भी पालन कीजिए और सभी कानून का पालन करेंगे, कहीं कोई अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा सबके साथ।